नमस्कार आई एम नेहा शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफी सो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैप प्रोजेक्शन और सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं ग्लोब पर आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को एक फ्लैट पेपर पर लेना ही प्रोजेक्शन कहलाता है अब मैप प्रोजेक्शन इज अ अस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रोजेक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ लाइट तो लाइट uh, के यूज uh, के अकॉर्डिंग इन्हें दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है पहला है पर्सपेक्टिव मैप मैप प्रोजेक्शन जिसे हम लोग हिंदी में संदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं और दूसरा है नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन जिसे हम असंदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन की ये मैप जो प्रोजेक्शन है हमारे वो लाइट का यूज करके बनाए जाते हैं और जो दूसरे हमारे हैं नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन ये हमारे जो संदर्श मानचित्र प्रक्षेप थे उन्हीं के अंदर कुछ मैथमेटिकल मेथड्स का यूज करके उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बनाया जाता है दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे इन्हें थ्री सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है पहला है कॉनिकल प्रोजेक्शन कॉनिकल प्रोजेक्शन में ये माना जाता है कि कागज का एक कोन जो है वो ग्लोब को कवर करता है और कागज का इसका कोन का जो एपेक्स होता है वो हमारे ग्लोब के बिल्कुल पोल्स के जस्ट ऊपर होता है और कागज का ये जो लैटिट्यूड है हमारे कागज के शंकु को एक पॉइंट पर टच करती है इसी को स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश रेखा कहा जाता है और उन्हें जब इस तरह से फैलाया जाता है तो कॉनिकल प्रोजेक्शन हमारा बन जाता है नेक्स्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में ये माना जाता है कि कागज का कोई भी खोखला बेलन ग्लोब के ऊपर लगाया गया है और उसे जब हम खोलते हैं तो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनका जो नेट जिस तरह से प्रेजेंट होता है वो हमारा बेलनाकार प्रक्षेप कहलाता है नेक्स्ट है जेनथल प्रोजेक्शन ग्लोब को किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई कोई समतल सतह और उसके ऊपर बना अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल यही हमारा जैनथर प्रोजेक्शन या खमध्य प्रक्षेप कहलाता है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मैरिट यानी कि गुण के आधार पर सबसे पहला आता है ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन जिसे हम यथा आकृतिक प्रक्षेप कहते हैं यथा आकृतिक प्रक्षेप में बनाए गए जितने भी मैप्स होते हैं उनकी जो शेप बनती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है जैसे कि ग्लोब पर दिखाई जाती है नेक्स्ट है होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसे हम समक्षेत्र प्रक्षेप कहते हैं इस होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाए गए जितने भी मैप्स होते हैं उनमें जो एरिया जो प्रेजेंट हो रहा है वो हमारा करेक्ट होता है परफेक्ट होता है इसलिए इन्हें समक्षेत्र प्रक्षेप कहा जाता है फिर नेक्स्ट है अज्यूमेथल प्रोजेक्शन जिसे हम शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं अज्यूमेथल प्रोजेक्शन में बनाए गए जो मैप प्रोजेक्शन्स होते हैं उनके अंदर किसी भी दो प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही सेम लाइन हमारे ग्लोब पर भी होती है तो इन्हीं इनका डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होता है इसलिए इन्हें शुद्ध दिशा प्रक्षेप या अजोमेथर प्रोजेक्शंस कहा जाता है आई होप स्टूडेंट्स आपको मैप प्रोजेक्शन की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन समझ आया होगा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं थैंक यू